नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 7 कबूतर के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता कबूतर एक ऐसी कविता है जो पक्षियों के क्रियाकलाप पर आधारित है। अब इस नवाचार की यदि नवीनता देखी जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला तथा लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया सरल है। इसमें पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए शब्दावली पर आधारित नाम वाले शब्द व काम वाले शब्दों के द्वारा पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, स्केच पेन व एक छोटे बॉक्स की व्यवस्था करते हैं और साथ ही शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश का पालन भी करना होता है, जैसे कि शिक्षक एक दिन पूर्व छात्रों को पाठ से संबंधित नाम वाले शब्द व काम वाले शब्दों के बारे में बताएंगे और उसे पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। साथ ही छात्र पर्ची पर के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिन छात्रों को शब्दों को बोलने में कठिनाई है उन्हें सहायता दें। इस प्रकार पुनः अध्ययन या क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों वाक्यों से पर्ची बनाकर नाम वाले शब्द व काम वाले शब्दों का पाठ में पुनः अध्ययन किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों की उत्सुकता को बढ़ाए रखने के लिए शिक्षक बॉक्स को रंगीन पेपर से सजा देते हैं व उस पर किसी छात्र को बुलाकर शब्द सागर लिखवाते हैं। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से बताते हैं कि आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलेंगे जिसका नाम शब्द सागर है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम बताते हैं और शिक्षक छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। फिर एक एक छात्र को बुलाते जाते हैं और उससे एक पर्ची निकलवाते हैं और उससे बुलंद आवाज में पढ़ने को कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना किसी छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर लाल शब्द लिखा है तो वह छात्र बताएगा कि लाल एक रंग होता है, अतः यह नाम वाला शब्द है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा और उसकी पर्ची पर माना कबूतर शब्द लिखा है तो वह बताएगा कि कबूतर गुटर गु बोलते हैं। इस प्रकार ये बोलना काम वाला शब्द हुआ। इस तरह से छात्र बारी बारी से आते जाएंगे और खेल को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक अंत में बताते हैं कि आज हमने पाठ कबूतर का नाम वाले शब्दों को जाना। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी पसंद की कहानी कविता आदि से प्रश्न पूछना, वर्णमाला के अक्षर और ध्वनि और व्याकरण आदि की समझ तथा जानकारी प्राप्त करना, चित्र पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाना तथा अपनी शब्दावली को बढ़ाना। इस प्रकार इस नवाचार से सभी छात्रों की सहभागिता अर्थात भागीदारी को सुनिश्चित भी किया जाता है। कही जा रही बात कहानी कविता आदि को कहने की समझ भी विकसित की जाती है। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ कबूतर को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र स्व अध्ययन तकनीक को भी समझते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे।
आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।